हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल योगा जनाना। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को दीपचंदी तार ढोलक पे बजाना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जो प्रोफेशनली दीपचंदी तार बजा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, जो हमारी आज की दीपचंदी तार है, ये दीपचंदी तार जो है आपको कोई भी यूट्यूब चैनल पर जो इस टाइप की दीपचंदी तार जो है देखने को नहीं मिलेगी। मैंने आप सभी के लिए एक नई क्रिएटिविटी करके इसमें मैंने खुद ब खुद क्रिएटिविटी की है और आप सभी के लिए इसे अपने यूट्यूब चैनल पर लाया है। सो फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना है, जिस तरह से आप मेरी हर वीडियो को देखते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये सभी वीडियो से हटके हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को दीपचंदी तार का इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। जो दीपचंदी तार होता है, दीपचंदी तार में 14 मात्राएँ होती है। टोटल विभाग इसमें जो चार बनते हैं, फर्स्ट एंड थर्ड विभाग में जो तीन मात्राएँ जो कवर होती है, एंड सेकेंड एंड फोर्थ में जो हमारी चार मात्राएँ कवर होती हैं। इसमें तीन ताली एक खाली होती है, पहली मात्रा पे जो हमारा सम आता है और आठवीं मात्रा पे जो है खाली आती है। फ्रेंड्स, इसमें जो तालियां बजती है, एक चार और ग्यारह पे जो इसमें तालियां बजती हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को आज की जो हमारी वीडियो बनने वाली है दीपचंदी ताल की, इसके मैं आप सभी को जो पहले बोल बताना चाहता हूँ। सो दोस्तों, इसके बोल इस प्रकार से हैं, ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट धीन, ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट धीन, ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट धीन, ता धी तत किट ता तेट तत किट तत किट। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप सभी को इस पैटर्न को बजा के बताऊंगा, उसके बाद मैं आप सभी को सिखाऊंगा जो किस तरह से जो इस पैटर्न को बजाना है। सो फ्रेंड्स, इसके बोल कुछ इस तरह से हैं, धीन ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट धीन, ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट धीन, ता धी दी तत किट ता तेट तत किट तत किट। ओके, स्टार्टिंग में जो आपने जो धी लेना है, धी आपने ढोलक के बेस साइड में जो ओपन लेना है और मदीन साइड में आपने जो थपकी से लेना है, ठीक है, कुछ इस तरह से। सबसे पहले आप ढोलक के मदीन साइड देखें, उसके बाद में आप सभी को बेस भी बताना सिखाऊंगा। स्टार्टिंग में आपने जो है ढोलक के बेस साइड ओपन लेना है और मदीन साइड आपने जो है थाप से लेना है, कुछ इस तरह से, इस तरह से। सबसे पहले आप इतना फर्स्ट इतना पोर्शन देखें, पहले धी में स्लाइड करना है और दूसरे धी में जो पीछे की ओर हिट करना है, धी 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 ता धी धी ता किट धी धी ता किट धी धी ता ता किट धी धी ता धी धी ता किट। उसके बाद है ता तेट ता ता किट ता ता किट। जो ता तेट है, ता तेट को जो है किस तरह से बजाना है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इसमें हम जो है जो तिट है ता तिट जो तिट है तिट में हम जो है ढोलक में जो है थाप लेंगे, कुछ इस तरह से, ता तिट 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 ता ता तिट ता ता तिट। जो हमारा ता ता किट ता ता एंड जो की ढोलक के बेस साइड में हमारा स्लैप आया, कुछ इस तरह से, ता ता किट ता ता किट। एक बार इस पैटर्न को आप जो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक फिर से देखें, दीन ता दी दी ता ता किट ता किट ता ता किट ता ता किट, दीन ता दी दी ता ता किट ता किट ता ता किट ता ता किट। फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर आप सभी को डीपली बताता हूं, धी ढोलक के बेस साइड में जो है आपने ओपन लेना है, ठीक है, धी ता धी धी ता ता किट धी धीन धीन ता धी धी ता ता किट, ठीक है, धीन ता धी धी ता ता किट ता
में आपने जो है बिल्कुल आपने जो थाप लेनी है इस तरह से, ठीक है। ओके, तो हमारा पैटर्न आएगा सो फ्रेंड्स, अब आप ढोलक के बेस साइड में भी आप सभी को बजाना सिखाऊंगा जो किस तरह से आप ढोलक के बेस में बजा सकते हैं। धिन धी धी मैंने बताया आपको ढोलक के बेस में ऊपर कुछ इस तरह से, ठीक है। धिन ता धी धी, पहले धी में आगे और दूसरे धी में आपने पीछे की ओर इस तरह से हिट करना है। धिन ता धी धी ता धी धिन ता धी धी ता धी धिन ता धी धी ता धी धी ता धी ता धी। ओके, सो फ्रेंड्स ये हमारा पैटर्न है धिन ता धी धी ता तक इट ता ते ट ता तक इट ता तक इट धिन ता धी धी ता तक इट ता ते ट ता तक इट ता तक इट धिन ता धी धी ता तक इट ता ते ट ता तक इट ता तक इट। सो फ्रेंड्स एक बार मैं लास्ट बार आप सभी को फिर बता देता हूं, धिन ता धी धी ता तक इट ता ते ट ता तक इट ता तक इट। सो फ्रेंड्स हमारा पैटर्न जो इस तरह से फिर, तो फ्रेंड्स इस पैटर्न की आपने जो कंटिन्यू जो प्रैक्टिस करनी है कम से कम 10-15 दिन आपने जो है बिल्कुल आराम से इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितने आराम से जो पैटर्न की आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका हाथ ढोलक पे चलेगा और क्लैरिटी भी जो है आपकी बहुत अच्छी आएगी। सो फ्रेंड्स इस पैटर्न की आपने बिल्कुल आराम से प्रैक्टिस करनी, जैसे कि मैंने बताया था, जैसे कि मैंने बताया है। जब आपके हाथ में ये पैटर्न जो बिल्कुल अच्छे से आ जाए तो आप इसकी स्पीड जो है इंक्रीज कर सकते हैं कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स ये हमारे आज की वीडियो थी, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप सभी को बताया कि किस तरह से प्रोफेशनली दीपचंद तार जो ढोलक पे बजाया जाता है। आई होप आप सभी ने जो वीडियो फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखी होगी। सो फ्रेंड्स फर्स्ट से लेकर लास्ट तक वीडियो देखने का जो बेनिफिट मिलता है उसमें आप सभी को पता चलता है कि कौन सा बोल कौन से फिंगर से बजाया जाता है और किस तरह से जो है बजाया जाता है, ना ता हमारे इंडेक्स फिंगर से बजाया जाता है या फिर लोअर मिडिल फिंगर से। सो फ्रेंड्स अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और लोगों को भी जो है प्रोफेशनली दीपचंद तार बजाना आ सके। फ्रेंड्स लास्ट में बस यही कहना चाहता हूँ, अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 मेरे यूट्यूब चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें ताकि आप सभी को फ्यूचर में न्यू वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे, क्योंकि फ्यूचर में आप सभी के लिए मैं डिफरेंट टाइप्स के सॉन्ग पे ढोलक बजाना सिखाऊंगा। फॉर एग्जांपल मेरे डोना जो सॉन्ग है उस पे भी मैं आप सभी के लिए जो वीडियो लेकर जरूर आऊंगा। लास्ट में फिर मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ मेरी यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन को ऑन रखें ताकि आप सभी को फ्यूचर में वीडियोज़ की जो है अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।